जटाशंकर गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जशपाल सिंह ने बताया कि जटाशंकर गुरुद्वारे में पिछले कई सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पहले 3 महीने पर होता था, अब हर महीने होता है, जिसमें रक्तदाता अपनी स्वेच्छा से आकर रक्तदान करते हैं। उन्होंने कहा, यह मेरा 80वां रक्तदान है तथा इसके बाद रक्तदान से अवकाश ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है तथा रक्तदान से किसी को किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है, बल्कि बहुत तेजी से रक्त शरीर में बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि रक्तदान जरूर करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में श्री गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी पिछले कई वर्षों से लगातार ब्लड डोनेशन चलाती है। हर 3 माह में होता था। 2019 से हमारे वहाँ प्रति माह ब्लड डोनेशन होता है, ये उसी का एक हिस्सा है। हर माह यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजित होता है। नवम्बर माह में हम लोग प्रतिवर्ष रक्तदाताओं को सम्मानित करते थे, इस वर्ष किसी कारणवश उनको सम्मानित नहीं किया जा सकता, तो आज उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ये रक्तदान शिविर जो है आज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आज मैं 80वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ और मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया है, तो मैं रक्तदान शिविर सेवा से अपने को आज अवकाश भी ले रहा हूँ। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य है कि गोरखपुर में या किसी भी ब्लड बैंकों में रक्त की बड़ी कमी रहती है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, और इससे जो ब्लड हमारा इकट्ठा होता है वो हम गोरखनाथ ब्लड बैंक भेज देते हैं, और जिस किसी को भी ज़रूरत होती है उसको हम लोग रक्त प्रवाहित करते हैं। रक्त कीमत वही समझ सकता है जिसको कि रक्त की जरूरत पड़ती है जब उसके घर कुछ होता है तब। वैसे तो लोग रक्त को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब इधर उधर खोजते हैं, तो हम लोग का ही प्रयास होता है कि उनको रक्त प्रदान किया जाए।